किसी भी मुल्क या किसी भी माशरे की अगर बैकबोन को देखा जाए तो वो होती है फार्मर, किसान या हारी, क्योंकि उनकी अनथक मेहनत, अनथक डिटर्मिनेशन और उनकी एफर्ट्स इंश्योर करती है कि हमारी टेबल पे जो खाना मौजूद होता है वो उनकी मेहनत का सिला होता है, उनकी मेहनत का समर होता है। चाहे किसी भी किस्म की कंडीशन हो, किसी भी किस्म के मौसम हो, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली किसानों की अनथक मेहनत, उनकी एफर्ट्स और डिटर्मिनेशन एक्नॉलेज नहीं हो पाती। एक आम आदमी उनकी ज़िंदगी से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पाता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, उसके चैलेंजेस को समझ नहीं पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि फातिमा फर्टिलाइजर जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज शुरू की है जिसका नाम है सरसब्ज कहानी, जिसमें किसानों की ज़िंदगियों में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या मसले मसाइल होते हैं और किस तरह वो मेहनत करते हैं, वो एक सीरीज़ की शक्ल में लोगों के सामने पेश किए, ताकि एक आम आदमी भी कनेक्टेड फील कर सके उस हारी के साथ, उस किसान के साथ। उसको ह्यूमनाइज किया गया है और एक बड़े अच्छे तरीके से ड्रामाटाइज किया गया है, ताकि उनकी मेहनत को भी एक्नॉलेज किया जा सके। हम एज अ नेशन खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, लेकिन हमारी सोच वहाँ तक जाती ही नहीं है कि हमारे सलाद में जो इतनी ज़बरदस्त रंग बिरंगी सब्जियाँ हैं, इसके पीछे कितनी अनथक मेहनत है, कितना ट्रैक्टर चला होगा, सख्त मौसम में काम किया गया होगा, कितनी औरतों ने, कितनी माओं ने, कितने बूढ़ों का इसमें खून पसीना शामिल है, तब जाके इंश्योर होता है कि ये सब खाना हम तक पहुँचे। तो सरसब्ज कहानी के ज़रिए ये सारी चीज़ों को इतना अच्छा फिल्माया गया है, ताकि आपका एक ह्यूमन कनेक्शन डेवलप हो एक फार्मर के साथ। सरसब्ज कहानी की जो एपिसोड 3 है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जिस शख्स के बारे में, ना सिर्फ उस शख्स को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बड़ा उनसे प्यार भी करते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ शाहनवाज धानी की। शाहनवाज धानी क्रिकेटर है, सरसब्ज कहानी में क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ऑन द फील्ड जो वो एफर्ट, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और अनथक मेहनत दिखाते हैं, वो शाखसाना है उनके उन दिनों का जब वो खेती बाड़ी किया करते थे, अपनी फैमिली के साथ फार्मिंग किया करते थे। और एज अ फार्मर जो उनकी ट्रेनिंग हुई है एफर्ट डालने में, चाहे वो मेहनत हो, किसी भी किस्म की कंडीशन हो, लड़ने का जो उनके अंदर एक आंसर आया है वो फार्मिंग से ही आया, जो आज हम क्रिकेट की फील्ड में देखते हैं। तो सरसब्ज कहानी की एपिसोड 3 निहायत ही इंटरेस्टिंग है। तो सरसब्ज कहानी को लेके मैं फातिमा फर्टिलाइजर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, किस तरह उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की सीरीज बनाई, ताकि एक आम फार्मर एक आम आदमी के साथ कनेक्टेड फील कर सके, उसको एक्नॉलेज कर सके, उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर सके, और साथ ही साथ उनका अगर सेफ्टी की बात की जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, एनवायरमेंटल कंसर्न की बात की जाए, तो वहाँ भी उनका बहुत बड़ा रोल है। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ 2019 में फातिमा फर्टिलाइजर ने शुरू की, उन्होंने किसान डे मनाना शुरू किया, जिसको बाद में गवर्नमेंट लेवल पर टेकअप किया गया, और अब हर साल किसान डे बाकायदगी से मनाया जाता है। सो थैंक यू फातिमा फर्टिलाइजर, और सरसब्ज कहानी आपने ज़रूर देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो आइए चल के किसानों की डिटर्मिनेशन और उनका हार्डवर्क देखते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। शुक्रिया।